नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हम मंडी के अंदर सरसों की आवक के बारे में जानकारी करने के लिए पहुंचे हैं। आज से करीब 1 से 1.5 महीने पहले मंडी के अंदर लगभग 10 से 15 हजार कट्टे सरसों की आवक थी और भाव 5100 रुपये था। लेकिन अब धीरे धीरे मंडी के अंदर जो आवक है वो कम हो चुकी है। अब मात्र कट्टे 5-1 हजार के समथिंग कट्टों की आवक मंडी में है, लेकिन सरसों की जो भाव है वो लगभग 5800 रुपये पहुंच चुके हैं, क्योंकि 700 रुपये की बढ़ोतरी सरसों के भाव में देखी जा रही है। हमारे साथ यहाँ के व्यापारी रामोतार गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि मंडी के अंदर एकदम से आवक क्यों घटी और आज भाव जो है क्यों सरसों के बढ़ चुके हैं। रामोतार गुप्ता जी, आपका सबसे पहले तो मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। हमको आप ये बताइए कि आज मंडी के अंदर कितनी सरसों की आवक है और क्या भाव है? आज मंडी में आवक है 5-6 हजार कट्टे की आवक है। भाव है 57-58 रुपये। 1 महीने पहले क्या स्थिति थी सरसों की? 1 महीने पहले स्थिति 45 हजार का भाव था, 51.5 का भाव था, 5-50-57। तो ये लगा लो 8-10-15-20 दिन में, अभी फिलहाल जो तेजी आई है 8-10-8 दिन में तेजी आई है, 600-700 रुपये बढ़ गई। महीने भर पहले कितनी आवक हो रही थी, कितने कट्टे आ रहे थे? महीने भर पहले 10-15 हजार कट्टे की आवक थी। अच्छा, अब धीरे धीरे आमद रखी, कुछ क्या है अब आमद भी घट गई, कुछ क्या है गवर्नमेंट को माल तो लगी, गवर्नमेंट रेट हमारे यहाँ मंडी 51 रुपये, वो गवर्नमेंट रेट थी 56-50 रुपये। तो अभी अपन जैसे सरसों की जो आवक मंडी के अंदर घटी है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण तो कुछ नहीं, कुछ तो क्या है कि जो माल व्यापारियों का जो माल था ऊंचे भाव में, जब कुछ तो बढ़ गया, कास्टकरों ने अपना 70-50% माल तो कास्टकरों ने तोल दिया उसने गवर्नमेंट को। अब जो ये थोड़ा बहुत माल है, अभी माल आ रहा है, कम आ रहा है माल, लोग अब सब तेजी बैठे इस पर। अभी जो सरसों है वो मीलों के अंदर जा रही है या नहीं जा पा रही? नहीं, मीलों जो माल जो सारा जो माल जो आता है मंडी में, सारा माल मीलों में जाता है, वहाँ माल। अभी कुछ दिन पहले एक बात की हमने व्यापारी से, उन्होंने हमको बताया था कि मील बंद होने के कगार पे, तो ऐसा क्या कारण रहा? बंद कगार पे तो सही बात है जो बताया आपको, कारण क्या है कि जो आज 5 रुपए 57 सौ भाव है, 57 भाव तेल का भाव है 111, वो आज सिरसू वाले लेके सिरसू तेल ले मील वाले तो उसको 4 रुपए नुकसान है, अब भी नुकसान। नुकसान का कारण क्या मानते हैं? कारण क्या है कि मतलब कुछ तो क्या है कि ये कपड़ा जब ये सिरसू जो है होना, मतलब बाजार विदेशी बाजार साथ दे रहे, बाजार तेज है, उसकी वजह से क्या है 4 रुपए किलो का नुकसान तो इनको साल भर से हो रहा है। अभी अगर अपन विदेशी तेलों की बात की जाए तो विदेशी तेलों के भाव में बढ़ोतरी है, क्या कारण मानते हैं? विदेशी तेलों में इतना बढ़ोतरी नहीं, थोड़े बढ़े जो बाजार यहाँ बढ़े हैं, विदेशी बाजार में जब उस टाइम सिरसों बिक्री थी 5-50-57 सौ, जब विदेशी बाजार थोड़ा कम थे बाजार बढ़ गए, विदेशी बाजार यहाँ भी बाजार बढ़ा दिए, और कुछ ये लगा लो 50-60-70% माल तो हमारा कास्टकार का जो गवर्नमेंट में तुली गया गवर्नमेंट में, तो उनकी रेट थी गवर्नमेंट की 56-50 रुपये। तो अभी जो कास्तकार है फिलहाल माल लेकर अभी रुका हुआ है या मंडी में लगातार आ रहा है? ना, अब तो इस टाइम तो क्या है कि गवर्नमेंट तो कोई माल ले, गवर्नमेंट के पास तो कल परसों की बात आई थी गवर्नमेंट बादल खत्म हो गया, अब बादल खत्म भी हो गया, और कुछ क्या है कि बादल खत्म होने के साथ साथ उनके भाव में अभी यहाँ उनकी रेट है 56, हमारे यहाँ से शुरू करिए 56-57-58, तो गवर्नमेंट तुलना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर अभी अपन सरसों की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में कितना अंतर देखने को मिला है? पिछले साल की तुलना, पिछले साल के बाजार मेरे हिसाब से 52-53 सौ के बाजार थे, कई साल की यही भाव भी देखते थे, अब के बाजार थोड़े बड़े हैं, इस साल को गवर्नमेंट को काफी माल तुला है, 56 के हिसाब से काफी माल तुला है। अभी जैसे भाव बढ़े हैं, आप कह रहे हैं कि पहले 5100 रुपए थी और अब 5800 के समथिंग पहुंच गई है, भाव बढ़े हैं तो व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है? व्यापारी को फायदा तो हो रहा है, माल व्यापारी ने थोड़ा बहुत माल पहले बेच दिया, थोड़ा बहुत माल अब बेचा है, लेकिन सिरसू 5100 बिक्री थी, ये लगा लो मेरे हिसाब से 650-600 रुपये तेजी आई है सिरसू में। इस टाइम हमारे आज मंडी के भाव, आज के भाव 57-58 सौ भाव है 42 लाख। ये हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी रामोतार गुप्ता जी मौजूद थे, उन्होंने हमको यहाँ सरसों के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी विदेशी तेलों के जैसे भाव बढ़े, उस हिसाब से सरसों के जो भाव है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी
फिलहाल ये है कि मंडी के अंदर सरसों की आवक कम हो चुकी है और आने वाले समय में किस तरह सरसों की आवक बढ़ती है और आगे किस तरह के भाव मंडी में रहने वाले हैं। नितिन शर्मा, अलवर।